सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। गढ़वा जिले के रमकंडा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की चार छात्राएं विद्यालय की पानी की टंकी फट जाने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि महज 4 से 5 दिन पहले नवनिर्मित पानी की टंकी की ईंट खिसक जाने की वजह से चपेट में ये चार छात्राएं आ गई, जिन्हें गंभीर चोट लग गई। टंकी बिल्कुल नई बनी थी, इसके बावजूद भी कैसे टंकी फट गई और कैसे वो टंकी गिर पड़ी इन चार छात्राओं के ऊपर, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि कोई भी विद्यालय से जुड़ा पदाधिकारी या शिक्षक इस मामले में स्पष्ट तौर पर बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है। वहीं छात्राओं का बेहतर इलाज मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में किया जा रहा है।